नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा। आप भी ऐसी महिलाओं से सावधान हो जाएं जो आपके घर में घुसकर आपको अपने साथ ले जाती हैं और आपके साथ कुछ ऐसा गंदा खेल करती हैं जिसके बाद आपकी समझदारी भी काम नहीं आती है, क्योंकि ये महिलाएं आपको ऐसे जाल में फंसाती हैं कि आप जितना तड़पड़ाते हो उतना ही उनकी जाल में फंसते जाते हो। जी हाँ, ऐसा ही गंदा खेल एक व्यक्ति के साथ जब हुआ तब वो परेशान हो उठा और किसी को सही से कुछ बता भी ना सका, क्योंकि ये बात उसके लिए लोकलाज वाली थी, क्योंकि शादी से पहले ही एक शातिर महिला ने उसकी नसबंदी करवा दी और फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर महिला 9211 हो गई। खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आई है, जहां महिला जिसने खुद को आशा बहू बताया और कोरोना वैक्सीन के नाम पर युवक को अस्पताल ले गई और वहां पर युवक को ऐसा वैक्सीन दिया कि वो बेहोश हो गया और फिर बेहोशी की हालत में डॉक्टर्स के साथ मिलकर इस महिला ने इस युवक की नसबंदी करवा दी और फिर युवक को गंभीर हालत में उसके घर छोड़कर ये आशा बहू मौके से फरार भी हो गई। युवक की हालत गंभीर होता देख परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे आगरा रेफर कर दिया। युवक मुखबधिर है, जिसकी वजह से वो साफ साफ शब्दों में सबको कुछ बता भी नहीं पा रहा है कि आखिरकार उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे। मामले की शिकायत जब पुलिस तक पहुंची तो आशा बहू ने 20,000 रुपए का लालच देकर मामले को रफा दफा करने की बात कही, जिस पर परिजनों ने मना कर दिया। अब जांच के बाद जो भी मामला निकल कर सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। आप भी ऐसी आशा बहू से सावधान रहें जो वैक्सीन के नाम पर बेहोशी का इंजेक्शन देकर आपकी नसबंदी कर सकती हैं। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ UP, धन्यवाद।